हेलो हेलो हेलो, हेलो। अबे तू और फोन उठा ना, तू गली लगा रहा है। अबे हेलो। ओ सुअर, तेरा हाँ, कौन? बाप बोल रहा हूँ बरेलवी। भाई थोड़ा तो तमीज से बोलिए, बताइए क्या काम है। अबे एहले हबीस की औलाद, अबे फिर नाटक शुरू कर दिया। ओ क्या सुअर, नाम अबे बताओ मेरे भाई। ओ सुअर की औलाद बात सुन। अबे नाम बताओगे मेरे भाई या गाली देते रहोगे? अबे अल्ताफ, तुझे बता अभी बात नहीं किया था तो जाहिल कहीं के। हाँ अच्छा, अल्ताफ बरेलवी, बिदती, मुशरिक। अरे यार तुझे चलो अभी हाँ, तो याद कबूल कर करा लिया। दिया यार। चलो, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ना रहे आज अहले एक कभी, ना बरेलवी ने रहे कबूल दिया, कर लिया, ना उसने रहे हाँ हबीब बोल की दिया। औलाद, ना रहे उसने मान छोटी लिया कि भाई, वो ना रहे बरेलवी, दिया, ना बिदती, रहे अहले मुशरिक खबीस, है। अहले खबीस है अहले चलो क्या, जल्दी बताओ मेरे भाई, खबीस। शहरी में टाइम बहुत भाई कम बचा है। मेरे को अरे अभी हाँ, पानी भी पीना है, अरे जल्दी बताओ। भाई अच्छा तो यार अहले कभी रोजा नहीं रखते क्या यार? अहले खबीस का पता नहीं, लेकिन अहले सुन्नत, अहले हदीस तो रोजा अलहमदुल्ला रखते ना, हैं। क्योंकि अब अहले बरेलवी बात लोग सुनो, भूल अभी हड़ताल हदीस करते हैं, में बात भूखमारी सुनो। क्या करती है सुनो बड़े भाई। आजकल मैं सुना हूँ कि यार अहले हदीस यार, अहले हदीस के लफ्ज जो है ना, ये आज के दौर में कोई अहले हदीस है ही नहीं। हेलो, आज के दौर में कोई अहले हदीस नहीं? तौबा तौबा, हाँ अल्लाह कोई के नहीं नबी की है। हदीस का इनकार कर दिया। जामे कौन सा भाई, कौन सी तिरमिजी हदीस की का इनकार हदीस करिए भाई? किताबुल फितन में अल्लाह के नबी ने हाँ फरमाया, एक गिरोह हाँ हमेशा हक पर रहेगा, अच्छा, हमेशा कौन हक कौन पर हक पे रहेगा, रहेगा, यानी कौन कि कौन अल्लाह कौन के हक पे नबी के रहेगा? जमाने से लेके ता कयामत तक। और तुम कह रहे हो आज के अब एक दौर में बार कौन अहले हक, हदीस ही नहीं है? कितनी हाँ शर्म कोई की बात है नहीं, भाई, नबी की बात का कोई इनकार कर कोई देते नहीं, हो? कौन सी हदीस का भाई इनकार किया? भाई जामे तिरमिजी की हदीस है, एक गिरोह हमेशा हक पे हाँ रहेगा, अल्लाह सुबहान तआला की कौन, तरफ से उसके ऊपर मदद आती रहेगी, कोई उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और इमाम तिरमिजी अच्छा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इस गिरोह से हेलो, मुराद असाबुल हदीस, अहले हदीस हैं। तो अलहमदुल्ला आज के दौर में भी अरे अहले हदीस हैं और ता कयामत मैं तक वो रहेंगे। नहीं, बात सुनो, आप कह रहे ना एले हदीस, आप एले हदीस जो लफ्ज है ना, एक बात कहूँ। हेलो बात सुन अरे लेना। आप बरेलवी हो, पहले ये बताइए, ये बरेलवी मुशरिक का हाँ अल्फाज कहाँ लिखा हुआ है? बरेलवी, नहीं, बरेलवी हंसी आप लोग जो जिंदाबाद और मसलक एले के कभी आला हजरत के जिंदाबाद। बानी बने हुए हो जबरदस्ती के, ये मसलक के आला अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और तुम अल्लाह के नबी ने अल्हम्दुलिल्लाह, कब तुम फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह। एक मसलक अरे बात होगा सुन, जो मसलक के ओ आला हजरत अब होगा, ये उसको रिकॉर्ड, मजबूती ये से काम रिकॉर्ड हो रहा है लेना और ओएले आला हजरत जी, के फतवों में अमल करना, ओएले खबीस ये जी, कहाँ लिखा है? ओएले खबीस जी, ओएले खबीस जी, बात सुनो। देखिए भाई, तमीज से बात ओ करेंगे तो बात बहुत अच्छे से होगी, नहीं अरे इत्मीनान से होगी। यार, बदतमीजी ये तो करेंगे यार तो आप बात करके कोई मेरी फायदा नहीं है मेरे भाई। बदतमीजी नहीं है, जैसे आप बरेलवी को मुशरिक कह रहे हो, मैं आपको एले खबीस कह रहा हूँ, उसमें गाली वाली कहाँ से अरे तो बात मेरे हुई भाई, और कहाँ कब्रों से की पूजा बदतमीजी वाली करने बात वालों हुई? को मुशरिक ना कहें तो क्या कहें? अरे तुम तो जो जिंदा शिर्क कर पुजारी हो, रहा तुम है उसी जाहिल को तो कहेंगे, मुशरिक तुम कहते जिंदा हैं? पुजारी हो, अहले सऊदी के पैसे पे चपलने वाले तुम लोग अहले खबीस हो, हाले हो। अब मेरी बात सुन, अहले अभी तू बोल रहा है ना, बात सुन। हेलो, बोलो ना मेरे ओ भाई। हेलो, मैं बोल रहा हूँ कि सही बुखारी की हदीस है, हुजूर अपने घर में जिस जानवर जानदार की देखे तस्वीर देखते उसे तोड़ देते थे, लेकिन तुम्हारे अहले हदीस किताब में क्या लिखा है मालूम? फतावा नजीरिया वॉल्यूम नंबर 3 पेज ये नंबर 304, बताइए, कब्रों, विलायत आप कपड़ा, विलायत लोग कपड़िया अल्लाह के नबी की बर्तनों हदीस का है, सही अल इस्तेमाल मुस्लिम इसलिए की तस्वीर किताबुल होती है जनाइज जायज है और उनका की खरीद और कब्रों फरोख्त को भी जायज ऊंचा है, मत यह चाहिए करो, हदीस से कब्रों तुम्हारी को क्या मतलब पक्का होगा? मत करो। अरे वाह खबर होगा, अभी बात इसके बात कर भाई अहले हदीस सही ना तू। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अरे कब्रों वाह, और एक हदीस को तुम्हारा, हदीस ऊंचा के मत अमल बात करो, सुन ले, कब्रों को ओ पक्का जाहिल मत अभी, और एक बनाओ, हदीस सुन ले, और आप सही लोग बुखारी कब्रों सही मुस्लिम को की हदीस है। दरगाह हजरत बना अनस देते हो, कहते हैं, आस्ताना मैंने बना रसूल देते अल्लाह हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू मजार बकर बना रजी देते अल्लाह हो, वो अनहु, भी हजरत इतनी उमर व ऊंची हजरत मजार कि उस्मान ने रजी अल्लाह आदमी उसके तआला सामने के साथ छोटा नमाज लगे। पढ़ी, मगर मैंने उस उनमें से किसी को बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम नहीं पढ़ते जोर से नहीं सुना। ये सही मुस्लिम की हदीस है। अब तुम्हारे अहले हदीस की किताबों देख ले जाहिल कहीं के, भाई बिना जहरी आप लग रहा है नमाजों में होश में फजर नहीं है, मगरिब आपको और लग रहा है इशा मेरे अवास्ते और सिर्री नमाजों में जोहर एन भाई असर में आपने लग रहा है फातिया आहिस्ता देने के पढ़ी जाए, बाद अब ये जाहिल है।
अहले हदीस का मतलब होता है कि अहले सब हदीस पे अमल करें, लेकिन तुम्हारी ये इन हदीसों पे अमल नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अहले खबीस कहता हूँ। कौन सी ऐसी हदीस है जिससे अमल साबित होता हो और अहले हदीस पे अमल ना करता हो? अभी तक क्या, अभी तक दीन बजा रहा था तो जाहिल कहेंगे? ऐसी कौन सी हदीस है जिससे अमल साबित हो और अहले हदीस अमल ना करता हो? अबे यही तो बोल रहा हूँ, अगर हदीस में तो है कि भाई वुजू करके अपनी औरत का बोसा लिया तू लट ले, ठीक है? हाँ बिल्कुल भाई, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बीवी है, मैं जब वुजू करके नमाज पढ़ने जाता हूँ अपनी बीवी का बोसा लेता हूँ, तो सुनना है अल्लाह के नबी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बीवी का बोसा लेते थे तो मैं भी लेता हूँ। अबे वो जाहिल की औलाद जो जूता पहनता है, जूता पहन के नमाज पढ़ता है, वो भी हदीस में है कि नहीं है? हाँ भाई, जब मैं रास्ते में सफर में होता हूँ जूता पहन के भाई मैं नमाज पढ़ता हूँ। रास्ते में नहीं, मस्जिद की बात हो रही है जाहिल। अबे जब मस्जिद पहले से साफ है तो उस पर जूता क्यों पढ़ूंगा जाहिल आदमी? अल्लाह के नबी के दौर में जो मस्जिद थी वो उसमें कंकड़ पत्थर थे, तो जूते में नमाज पढ़ी नहीं पढ़ कोई अहले खबीस नहीं पढ़ता। मुझे आप एक कालीन के ऊपर जूता पहन के खड़ा होगा तू जाहिल आदमी, तेरे मस्जिद वाले मुझे मारेंगे जाहिल, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं, कमीने तो बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह साबित कर दिया कि हम हदीसों पे अमल करते हैं, लेकिन आप बताइए सही अल मुस्लिम की हदीस है कि कब्रों को ऊंचा मत बनाओ, पक्का मत बनाओ, और आप लोग कब्र को इतना ऊंचा बना देते हो कि आदमी उसके सामने छोटा लगता है। इतनी ऊंची कब्र कौन से, इतने ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे भाई आपके कौन से बनी थे? कहाँ देखा है? अबे कहाँ देखा है तुमने? अम्मा तुम्हारी हर दरगाह हर मजार हर अस्ताना तो बड़े बड़े ऐसा लगता है जैसे 8-10 आदमी एक ही मजार में डाल दिया गया। मेरी बात सुनो यार, इतनी ऊंची इतनी ऊंची मजारे क्यों बनाते हो? हमारे नहीं ऐसा, क्या बात कर रहे हो यार? अभी अभी तुम्हारी ऑडियो का वीडियो बनाऊंगा, उसमें तुम्हारी फोटो डालूंगा, तुम्हारे क्योंकि बोलो इतनी ऊंची कब्र, उसके ऊपर हरे रंग का पेंट, उसके ऊपर हरे रंग की चादर शरीफ, और उसको मन्नत मुरादे मांग रहे हैं, इसीलिए तो मेरे भाई दुनिया कहती है कि बरेलवी मुशरिक है, वो शिर्क करता है, अल्लाह सुब्हानहू ताला को छोड़ के कब्रों की पूजा करता है, उपासना करता है, इबादत करता है, मन्नतें मांगता है, मुरादे मांगता है। छोड़ दो मेरे भाई ये सब। मैं बात सुन, हो गया तुम्हारा? नमाज में तुम बार बार पढ़ते हो इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं, तो ये मेरे भाई दरगाह अस्ताना और मजारों का ये जाल बिजनेस धंधा पानी का है बना रखते हो। जो वली अल्लाह है उनको मानो भाई, जो अल्लाह के वली हैं, नेकोकार हैं, उनसे मोहब्बत करो, जो उन्होंने दीन की तालीम दी है उस पर अमल करो, जो उन्होंने खिदमत की दीन की उस पर अल्लाह का शुक्र भेजो, ना कि वली के इंतकाल के बाद उनकी कब्र को पक्का बना के ऊंचा बना के उस पर इमारत तामीर करके दरगाह अस्ताना मजार बना के उससे मन्नतें मुरादे मांगने लगो। औलाद चाहिए तो बाबा के पास जा रहो, और अगर शिफा चाहिए तो बाबा के पास जा रहो, एग्जाम में पास होना है तो बाबा के पास जा रहो, शादी करना है तो बाबा के पास जा रहो, ये है क्या मेरे भाई? हाँ वही तो बोल रहा हूँ, इसलिए सऊदी के पास पैसे लेते हो ना तुम लोग? अरे सऊदी से कौन पैसा लेता है भाई, कौन सऊदी में पैसा बांट रहा है? हमको मिलवा दो थोड़ा पैसा भैया। ये डॉक्टर जो का क्या कर रहा है? अरे तुम्हारा फारूक खान लैपटॉप बाबा एक एक तकरीर में अहले हदीसों को गाली देने के लिए फर्जी चैलेंज करने के लिए 20,000 रुपए मांगता है। अरे भाई वो तो इंडिया में लूट मचाए हुए। अरे बात मान ला, बात सऊदी में कितने बरेली लोग हैं जो कमाने जाते हैं, तो क्या वो सब सऊदी के रियाल के भूखे हैं? ओ अहले खबीस सुन लो, कितने हमारे यूपी के बरेलवी भाई ऐसे हैं जो सऊदी अरब जाते हैं, मेहनत से रोजी रोटी कमाते हैं, तो क्या वो तमाम के तमाम क्या भाई वो भूखे हैं सऊदी के रियाल के? अहले खबीस जी मेरी बात सुन लो, अहले खबीस जी। अच्छा भैया शायरी का टाइम खत्म हो रहा है, मैं फोन काटने जा रहा हूँ, मुझे पानी पीना है। अब आप सबसे पहले सही अल मुस्लिम की जो हदीस है किताबुल जनाइज में कि कब्रों को ऊंचा मत करो, पक्का मत बनाओ, पहले इस पे अमल कीजिए, तौबा कीजिए, उसके बाद आगे बात होगी। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम।